हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर यूपीपीसीएस यूपीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जीएस पेपर नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसका जो सिलेबस का डिस्कशन है वो मैं आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जीएस जनरल स्टडी पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो सिलेबस के हिसाब से किस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। प्लस इन सब के जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको सक्सेसमन चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। सक्सेसमन का फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब ये पॉइंट नंबर 1 कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी, जैसे कि लास्ट सारी वीडियोज़ का आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हिस्टोरिकल अपलिफ्टमेंट हुआ, इसका अंडर प्लानिंग कैसे कैसे हुई हिस्ट्री में, फिर कैसे आगे बढ़ा हमारा संविधान, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। ये प्री के पॉइंट मीन्स के लिए तो मैं करवा ही रही हूँ, प्लस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि यहाँ एक एक फैक्ट आपके क्लियर होंगे जो कि प्री के एग्ज़ाम में आते रहते हैं हमेशा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है नया। तो यहाँ आप सिलेबस देख सकते हो, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो यहाँ सबसे पहले हिंदी में आप देखिए, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार और विकास, ये हम आज पूरा टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी लेंथी है ये, तब भी मैं कोशिश करूँगी आज कंप्लीट करवा लूँ। और इंग्लिश में आप लोग यहाँ देखोगे हिस्टोरिकल अपलिफ्टमेंट, तो मैं मेनली हिंदी मीडियम को ही लेके साथ में चलूँगी, बाकी इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, अगर उन्हें समझना है तो वो यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए एज वेल एज इक्वल ये इम्पॉर्टेंट रखता है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय संविधान था उसका ऐतिहासिक आधार तब हुआ जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिश भारत में आए उसके बाद उन्होंने अपने खूब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, कानून बनाए, अपने न्यायालय चलाए, बहुत सारे दंड प्रक्रियाएं अपनाई, तो वो सब तो मतलब नॉर्मली थी, वो लोग अपना कानून चलाते थे, बट जो वो प्रॉपर एक वे में रूल्स बनाया उन्होंने, रेगुलेशन लेके आए, तो वो पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग जैसे नाम से आपको पता चलता है कि कार्यों को रेगुलेट करना, नियमित करना, तो यहाँ पर 1773 का एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ऐतिहासिक आधार इसी एक्ट से हमारा शुरू होता है भारतीय संविधान का। तो हम संविधान कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉपर एक्ट पर ध्यान देंगे, और अगर हम हिस्ट्री की टॉपिक करते तो हम प्रॉपर जो मॉडर्न इंडिया थी, ब्रिटिश का आगमन था भारत में, वो हम मेनली यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें मेन फैक्ट हम देख लेते हैं, तो आपको ये प्रोवाइड पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, तो उसमें से आप पूरा प्रॉपरली आपके नोट्स के रूप में काम आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में आपको सिर्फ समझाते हुए चलती हूँ, आप इसे पढ़ के बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित कर दिया गया कि आपके क्या कार्य हैं, आप इंडिया में क्या क्या काम करोगे। नेक्स्ट में था कंपनी के शासन पे संसदीय नियंत्रण का स्थापना हुई, मतलब कि संसद जो ब्रिटिश की संसद थी उसका जो नियंत्रण था वहाँ पे इसकी स्थापना हुई, प्रॉपर नियंत्रण नहीं हुआ बट स्थापना यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई, वहाँ जो ब्रिटेन क्राउन था उन्होंने मान्य कर दिया कि आप प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हो और राजनीतिक कार्य भी इंडिया में कर सकते हो। और केंद्रीय प्रशासन की यहाँ नींव पड़ गई, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव कब पड़ी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी भारत का नहीं, यहाँ बंगाल का कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। सेटलमेंट मतलब कि जो भी कमियां रह गई थी 1773 में उसको सेटल करने के लिए 1781 का एक्ट ले आया, तो कमियों को दूर करने के लिए आया। और कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया, मतलब कलकत्ता जो सरकार थी, जैसे कि हमने अभी बात की यहाँ पर
कि वॉरेन हेस्टिंग्स इसका गवर्नर जनरल था, तो इसने यही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाया करता था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये जब छोटे छोटे एक्ट हैं आप हेडिंग्स में बस लिखोगे जब ऐतिहासिक आधार आपको संविधान का लिखना पड़ेगा तब, कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया था। दोहरे प्रशासन से यहाँ मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो अलग अलग बोर्ड यहाँ पर कर दिए गए थे। तो आप ऐसे ही एक डायग्राम टाइप में इस टाइप में बना के अपना पॉइंट यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट का शॉर्ट हो जाएगा और आप अपना जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वहाँ आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो एग्जामिनर को। चलिए आगे बात करते हैं। 1793 का फिर चार्टर अधिनियम आया। यहाँ से चार्टर अधिनियम की शुरुआत होती है कि हर 20 साल बाद फिर चार्टर अधिनियम आने लगे। तो आप ये याद रखेंगे, अगर 93 में आया है तो नेक्स्ट आएगा 1813 में, तो आपको ये 20 साल बाद करेक्ट इसके आएगा, फिर 1813 के बाद 1833 में आएगा। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे याद रखेंगे चार्टर अधिनियम, ये लाइन वाइज याद करने की टेक्निक भी है। तो 1793 से आप याद रखो चार्टर अधिनियम की शुरुआत हुई, और यहाँ से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो जो भी भारतीय राजस्व में से खर्चा था वो यहाँ से शुरू हुआ देना चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो मेन मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो आप लिखोगे, क्योंकि ऐतिहासिक आधार बहुत लंबा है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन इंटीग्रेंट्स कह सकते हो आप, जो आपके रेसिपी बनाने के काम आएंगी, जो कि ऐतिहासिक आधार है संविधान का, उसमें ये मेन की पॉइंट्स काम आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1813। जैसे कि हमने बताया 1813 का चार्टर अधिनियम आया, तो इसमें तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ाया, मतलब कि 1833 तक बढ़ा दिया गया। भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया, मतलब कि और भी लोग जो हैं ब्रिटेन के वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, मतलब कि कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए, यहाँ पर मेन था। और एक एकाधिकार चाय और चाइना के साथ जो यहाँ पे कंपनी का एकाधिकार था वो ऐसे ही बनाए रखा गया, मतलब चाय के साथ कंपनी व्यापार कर सकती है, एकाधिकार था उसका, और चाइना के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। जैसे कि हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार था, यहाँ पे अधिकार नहीं एकाधिकार आएगा, कि जो कि चाय और चाइना के साथ बरकरार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए यहाँ पे, और कार्य जो रह गया वो कंपनी का, वो एकमात्र भारत पर शासन करना ही रह गया, मतलब और भी जो व्यापारिक अधिकार थे वो छीन लिए गए कंपनी से। यहाँ बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जैसे कि हमने अभी लास्ट पॉइंट में बात की, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कब बनाया गया? 1833 में। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्यों को यहाँ शामिल कर लिया गया था। इसी तरह दास प्रथा का 1843 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही उन्मूलन किया गया। भारतीय कानूनों का अलग अलग यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया गया, अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया, और विधि आयोग की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई, मतलब एक नया विधि आयोग भी बनाया गया। तो सबसे पहले विधि आयोग का गठन 1833 में हुआ। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे सारे पॉइंटर्स हैं, सारे आपको PDF में मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे रिवाइज करना रह जाएगा। फिर 20 सालों बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, मतलब कि आप देख यहाँ पे कि 1793 के बाद हर 20 साल बाद चार्टर अधिनियम आ रहा है, तो हर 20 साल को ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। तो 1853 में हुआ कि महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके आधार पर भरने की यहाँ पे व्यवस्था की गई, और गवर्नर जनरल की जो विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, मतलब कानून बनाने की शक्ति और उस और भारत पर शासन करने की शक्ति, दोनों को अलग अलग यहाँ पर किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की यहाँ क्रांति हो चुकी है, उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया, क्योंकि इस क्रांति के बाद कानून को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, उनको अपने कानून को बचाए रखना था ब्रिटिश को, इसलिए उन्होंने भारत शासन अधिनियम, अब भारत शासन अधिनियम यहाँ से शुरू होता है 1858 से, तो आप ये याद रखेंगे। अब इसमें कंपनी का जो शासन था भारत के ताज के शासन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, मतलब कि सीधा नियंत्रण ब्रिटेन का भारत पर हो गया। अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, अब
ब्रिटेन का जो ताज था, वहां का क्राउन था, वो शासन करने लगा इंडिया पर। ब्रिटेन क्राउन की शक्तियों का इस्तेमाल भारत के विदेश सचिव के द्वारा किए जाने लगा, मतलब एक विदेश सचिव का पद नियुक्त किया गया ब्रिटेन में और उसके द्वारा ही शासन यहाँ किया जाने लगा। इन्हें 15 सदस्यों के साथ भारत परिषद की सहायता मिली, मतलब इनके साथ 15 और सदस्य थे। इन्हें वायसराय के माध्यम से अपने एजेंट के रूप में भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित किया गया, मतलब कि सारा जो नियंत्रण था कंपनी से लेकर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। अब गवर्नर जनरल को वायसराय यहाँ पर कहा जाने लगा। तो वायसराय कब कहा जाने लगा? 1858 में, याद रखेंगे। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड केनिंग। ये सारे आपके जो प्री एग्जाम है उसके पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और निदेशक मंडल जो अब तक हुआ करता था, कंपनी का निदेशक मंडल, उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। मतलब मेन फोकस हम कहेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया, वहाँ पे सारा का सारा प्रशासन का जो भार था वो क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश के जो राजा रानी होते थे उन्होंने अपने हाथ में डायरेक्टली ले लिया और एक विदेश सचिव के पद का निर्माण किया। तो ये मेन यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। 1868 के भारतीय परिषद अधिनियम, फिर वही भारत परिषद अधिनियम, यहाँ पर पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधायी परिषद, जिसे गैर आधिकारिक भी कहते हैं, जिस विधायी परिषद को, जैसे संस्थानों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया। मतलब कि पहली बार कहा गया कि यहाँ भारतीय भी शामिल होंगे और 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। मुझे कमेंट में बताइए कि पहला भारतीय कौन था जो भारतीय परिषद में शामिल हुआ था, परिषद अधिनियम में सबसे पहला कौन शामिल भारतीय हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, केंद्र प्रांतों में विधान परिषदों की यहाँ पे स्थापना की गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद के बाद कुछ भारतीयों को विधायी व्यवसायों के दौरान गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में होना चाहिए, मतलब कि मान्यता मिल गई कि कुछ जो भारतीय हैं वो भी होने चाहिए गैर आधिकारिक सदस्य। सिर्फ यहाँ मान्यता मिली है, अभी उनको नियुक्ति नहीं की गई है, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, सिर्फ मान्यता दी गई है। पोर्टफोलियो जो सिस्टम होता था उसको वैधानिक यहाँ पर मान्यता दी गई। और बॉम्बे मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो कि आज भारत में नॉर्मल संविधान में देखी जाती है, वो शुरू हुई 1868 के बाद से। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे पॉइंट्स देखते हैं। अब देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी वही है कि भारत के परिषद जो हुआ था उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया, उन्हें बजट पर चर्चा और कार्यकारी को प्रश्न को संबोधित करने की शक्ति थी। ओनली प्रश्न पूछ सकते थे, जवाब मिलने की कोई आशा थी या नहीं, ये नहीं था। हाँ, उन लोगों को कुछ शक्ति दी गई कि आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं और कार्यकारी प्रश्न पूछ सकते हैं सिर्फ। विधायी परिषदों के आकार को बढ़ाया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव या फिर जिसे नामांकन भी कहा जाता है उसको पेश किया गया यहाँ पर 1892 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं इसे 1909, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो विधायी परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, एक प्रतिनिधि एक लोकप्रिय तत्व पेश करने का यहाँ पहला प्रयास था। मतलब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। एक निश्चित जनसंख्या पर एक निश्चित प्रतिनिधि को खड़ा किया जाता था, मतलब कि एक पर्टिकुलर जनसंख्या के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार था। तो यहाँ से हमारे केंद्रीय विधान परिषद का नाम भी चेंज किया गया, शाही विधान परिषद इसका नाम रखा गया। केंद्रीय विधान जो परिषद थे उसके सदस्य 16 थे, उसको कर दिया गया 60। तो ये आप यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट, अलग मतदाताओं की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली का परिचय दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार मुस्लिमों को अधिकार कब दिया गया, अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब दिया गया, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में। और नेक्स्ट, वायसराय कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ मान्यता दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, यहाँ पर केंद्रीय विषयों का निर्धारण और प्रांतीय विषयों के निर्धारण अलग से किया गया। मतलब कि यहाँ हम डायरची कह सकते हैं, यहाँ शुरू हुआ दोहरी शासन योजना, मतलब कि प्रांत के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, इस टाइप से योजना यहाँ पर शुरुआत हुई 1919 में। और डायरची प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, स्थानांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल के पास रहते थे और स्थानांतरित वहाँ की प्रांतीय सरकार के पास रहते थे। पहली बार केंद्र में भी द्विपक्षीय की शुरुआत हुई, तो क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि पहली बार द्विपक्षीय की शुरुआत केंद्र में कब हुई, तो 1919 में हुई। और लोक सेवा आयोग की स्थापना की नींव भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत रखी गई, जो कि 1924 में फिर इसे खोला गया, बट नींव जो रखी गई हम कहेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही रखी गई थी। चलिए आगे बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें ऑलमोस्ट सारे जो हैं 300+ जितने भी विधान हैं वो सारे 1935 से ही लिए गए हैं। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए यहाँ प्रदान किया गया था ये अधिनियम, अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए, बट ये उस समय सामने आया ही नहीं अखिल भारतीय संघ। प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया गया, बट प्रांत थे वो इकट्ठा होने को यहाँ तैयार नहीं हुए थे, उस टाइम की बात ये कह रही है। बट अब तो हो चुका है अखिल भारतीय संघ, पर उस टाइम नहीं हुआ था। तीन सूचियों की जो बात हम करेंगे, संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची, जो कि आज भी देखी जाती है, वो भी 1935 भारत शासन अधिनियम से ही ली गई थी। संघ सूची केंद्र के लिए होती थी, जिसमें 59 सूचियाँ थी। प्रांतों के लिए प्रांत सूची, जिसमें 54 आइटम्स और 36 वस्तुओं सहित दोनों के लिए समवर्ती सूची थी, जो केंद्र प्रांत दोनों के लिए होती थी। ये उस टाइम की बात है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के साथ थी, तो मतलब जो अलग से अवशिष्ट शक्तियां होती थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। और ये अधिनियम प्रांतों में डायरची को समाप्त कर दिया इस अधिनियम ने, और प्रांतीय स्वायत्तता की भी यहाँ पर पेशकश की गई इस अधिनियम के द्वारा। और भी 11 प्रांतों में से 6 में द्विपक्षीयता थी, मतलब कि स्थानांतरित और आरक्षित विषय दोनों थे यहाँ पर। ये 6 प्रांत थे, असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ये याद रखेंगे आप लोग। संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई, और भारत की परिषद को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। भारत परिषद जो था वो यहाँ पर 1935 के अधिनियम द्वारा यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ याद रखेंगे। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली। तो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया, पहला पॉइंट। केंद्र प्रांत दोनों में जिम्मेदार सरकार की यहाँ पे स्थापना की गई। वायसराय इंडिया को प्रांतीय गवर्नर्स को संवैधानिक रूप से सामान्य प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई। तो वायसराय इंडिया भारत का पहला कौन था, ये आप मुझे बताएंगे। मैं पहला बता देती हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का पहला स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय था, बट कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मतलब कि आप इंडियन जो कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय बना वो कौन था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। नेक्स्ट, इसमें संविधान सभा में दोहरी कार्य, मतलब कि संविधान का कार्य अलग, मतलब कि एक संविधान सभा बनाई गई जो कि संविधान बनाने का काम करती थी, दूसरा वो विधान कानून बनाने का भी काम वही करती थी, उसको सौंपा गया। और इस प्रभुत्व विधायिका को एक प्रभु निकाय घोषित किया गया। तो यहाँ ये संपन्न होता है हमारा ऐतिहासिक जो विकास था हमारे संविधान का 1773 से लेकर 1947 तक का पूरा ये आधार हमने कर लिया यहाँ, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से। मेंस के लिए आप ये जो मैं पीडीएफ दूंगी इसको बार बार आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से ऐसे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और लर्न हो जाएंगे। अब हम इसको हम विकास के रूप में भी देख सकते हैं कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। अब यहाँ से आप आगे चलेंगे तो संविधान सभा बनाई जाएगी, प्रारूप समिति बनाई जाएगी, विभिन्न समितियाँ बनाई जाएंगी, फिर उसके बाद यहाँ प्रस्तावना आएगी, ऐड होगी इसमें, क्योंकि 1935 की जो हमारा
एक्ट बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, उसमें प्रस्तावना को ऐड नहीं किया गया था। तो अब जो बनेगा आगे संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना बनाई जाएगी। तो आगे ही ऐसे इसकी हम देखेंगे संविधान की हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस इसमें देखेंगे कि कौन से देश से क्या कौन सी पॉइंट्स लिए गए हैं संविधान के लिए, और उसकी तुलना करेंगे हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आगे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं सारे मेंस को ध्यान रख के आने वाले हैं, एज वेल एज प्री के लिए भी वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट कल हम GS पेपर 3 के बारे में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट GS पेपर 4। तो ऐसे ही डेली हम 1, 2, 3, 4 के काफ़ी सारे लेक्चर साथ के साथ कवर करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।